जय हिंद प्यारे साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक्स की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि कॉन्सेंट्रिक्स की तरफ से ये न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी गई है और ये 10th पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे टेक्निकल कस्टमर सपोर्ट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन केवल यहाँ पे 10th पास रखी गई है। कंप्लीट डिटेल आप सभी को बताएंगे कि कैसे आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी इसके लिए अप्लाई कर पाएं और आप इसमें सिलेक्शन ले पाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो यहां पर नोटिफिकेशन की तरफ चल लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कॉन्सेंट्रिक्स की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पूरी डिटेल्स आप सभी को बताई गई है। आप इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में पोस्ट एंड वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहां पर 800+ यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में जो आपकी पोस्ट रहेगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट ऑपरेशन में रहेगी, जो कि कस्टमर सर्विस टेक्निकल सपोर्ट की आपकी वैकेंसी रहेगी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो एज लिमिट में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 18+ अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में केवल 10th पास यहाँ पे मांगा गया है, अगर आप 10th पास क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो 22,000 से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ तक यहाँ पे आपको सैलरी मिल जाती है और ये अक्रॉस इंडिया आपको जॉब लोकेशंस मिल जाते हैं, जो कि वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, जो भी आपकी नियर बाई सिटी जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स काम करता है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दे सकती हैं। साथ ही में जॉब टाइप की अगर मैं बात करूं तो फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी। एक्सपीरियंस में फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन बेसिस पे रहेगा। कोई भी एप्लीकेशन फीस या किसी भी तरीके के कोई भी चार्जेस आपसे यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं। अगर मैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करूं तो 2 सितंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि मे बी 6 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे। अगर ये जल्दी एप्लीकेशंस का एक टारगेट रखते हैं, अगर वो टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाते हैं। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लें। तो यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको वेबसाइट दिख रही है, सिंपल इसे गूगल ब्राउजर में सर्च करें। आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। पहले आप अपने मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें गूगल ब्राउजर को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा studyfordreams.in। तो जैसे आप studyfordreams.in सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ऑप्शन मिलेगा studyfordreams learn for future। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है 10th पास परमानेंट जॉब, जो कि कॉन्सेंट्रिक्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर इनकेस यहाँ पे आपको ये नहीं मिलता है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक्स आप डाल के आप इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद इसके जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक आपको दिख जाती है, फर्स्ट वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट जहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप देख सकते हैं रिप्रेजेंट ऑपरेशन में निकाली गई है, कस्टमर सर्विस टेक्निकल सपोर्ट की वैकेंसी है, जिसका नंबर आप देख सकते हैं जो कि इंडिया में आपकी रहेगी। तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को बताई गई है। साथ ही में आप नीचे क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसके लिए केवल आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल की बात करें तो देखिए हाई स्कूल डिप्लोमा विद 3 to 6 month रिलेवेंट एक्सपीरियंस प्रेफर। तो यहाँ पे अगर आपके पास 3 से 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अदरवाइज फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट हर एक जॉब में आपसे ये रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं। तो पूरी डिटेल यहाँ पे आप सभी को दी गई है, जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपको फर्स्ट में ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का। यहाँ पे क्लिक करने के जस्ट बाद ये विंडो ओपन होती है, जहाँ पे आप साइन इन करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट साइन इन जब ही आप कर सकते हैं जब यहाँ पे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा। इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें अपनी ई मेल आई डी पासवर्ड एंड वेरीफाइड न्यू पासवर्ड करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। साइन इन करके किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक्स अप्लाई विद अस, तो यहाँ पे सारी प्रोसेस जो आप सभी को मिल जाएगी वो एकदम ऑफिशियल अपडेट दी गई है। तो पूरे प्रोसेस मैंने
आप सभी को बता दिया। साथ ही में अगर इस जॉब से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी रीड आउट करना है तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप पूरी चीजों को रीड आउट कर सकते हैं एंड इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिल गई होंगी, अप्लाई कैसे करना ये भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।